हेलो बच्चों, यहां लिखा हुआ है कि थ्री बॉल्स ए बी एंड सी ऑफ मास एम ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द मास ऑफ बी। ऑल आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बॉल बी कोलाइड्स विथ सी विथ अ वेलोसिटी वी एज शोन इन द फिगर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द बॉल्स। क्लियर है? इफ ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक। यदि मैं इसके मास को m ले लूं, ध्यान से देखेगा, तो यहां से c का मास भी हमको 4m मिलेगा और a का मास भी हम लोगों को 4m मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए साहब, कोलिजन इलास्टिक दिया है, तो पहले यहां पे हमारे पास कोलिजन हो रहा है b एंड c का। एक तो इसमें यह है कि हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला आ जाता है जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा के करते हैं। दूसरा क्या है, उस फॉर्मूले का जो बेसिक डेरिवेशन था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हम यहां लगा लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम के नाम पे हम लोगों के पास है एम वी बराबर है। अच्छा, मैं फर्स्ट कोलिजन के बाद का डायग्राम यहां बनाने की कोशिश करता हूं। ये ए वाला बॉल तो देखो अभी भी रेस्ट का रेस्ट पे ही रहने वाला है। अच्छा, हम लोगों ने माना कि जो बी वाला बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वन से, और ये जो सी वाला बॉल है ये इस डायरेक्शन में जाने लग जाता है वी टू से, इसी डायरेक्शन में। क्लियर है? ये हम लोग देख रहे हैं कोलिजन जस्ट आफ्टर फर्स्ट, मतलब जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। क्लियर है? तो इनिशियल मोमेंटम ये मिल गया। फाइनल मोमेंटम की बात करिएगा तो मिलेगा एम वी वन प्लस 4 m v 2। तो वी इज इक्वल टू मिलता है वी वन प्लस 4 v 2। ये हम लोगों के पास आ गया इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, हम लोग यहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा दें तो E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर, जिसको कि हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं यहां से वी टू माइनस वी वन अपॉन वी, और ये हम लोगों के पास होना था वन, तो यहां से मिलेगा वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू वी। ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, कर दिया ऐड भाई। तो यहां से हमारे पास मिल रहा था वी वन प्लस 4 v 2 इज इक्वल टू वी, और दूसरा इक्वेशन आ रहा है वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू वी। अगर हमने इसको ऐड किया तो वी वन तो कैंसिल हो गया, इधर से हमारे पास मिला 5 v 2 इज इक्वल टू 2 v, यानी वी टू इज इक्वल टू आ गया 2 v/5। यानी ये जो वी टू है ये हम लोगों के पास हो गया 2 v/5 बराबर प्लस आया, मतलब जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया है वो करेक्ट है। क्लियर? अच्छा, इस वी टू की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। मान लीजिए इट इज 2 v/5 माइनस वी वन इज इक्वल टू वी, तो वी वन इज इक्वल टू मिलेगा 2 v/5 माइनस ऑफ वी। क्लियर? तो यहां से हम लोगों के पास ये मिल रहा है माइनस ऑफ 3 v/5। तो माइनस मिलने का मतलब जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया था डायरेक्शन उधर ना होकर के इसके अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, दैट इज 3 v/5। क्लियर है क्या? तो ये हम लोगों को फर्स्ट कोलिजन के बाद दिखने लग गया कि सी तो निकल लिया राइट में और बी वापस से लौट पड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, बी अगर लेफ्ट में लौटा है तो अब वो ए के साथ फिर कोलिजन करेगा। तो अब अच्छा देखो, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन अगर हम देख रहे थे तो ये वाला जो बॉल सी था वो इधर की तरफ में जा रहा था 2 v/5 से। ये जो बी वाली बॉल थी जिसका मास खुद का एम था वो इधर जाने लग गई थी 3 v/5 से, और ये जो ए वाली बॉल जिसका खुद का मास एम है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है बराबर, नहीं इसका मास 4 m था ए का, देख लीजिए ऊपर देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, ए का मास भी 4 m है और अब ये हमारे पास इसका मास भी 4 m था। तो अब अच्छा कोलिजन किसका किसका होगा बिटवीन ए एंड बी। चलो, पहला वाला जो हमने लगाया था वो डायरेक्ट लगा दिया था, अब दूसरे वाले के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। तो यहां देखिए, हम लोग दो फॉर्मूले लिखते थे V1 और V2 बराबर है। तो V1 इज इक्वल टू हमारे पास आता था M1 माइनस ई एम टू, ई बराबर है 1 बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है, अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। अच्छा, यहाँ पे दूसरे वाले टर्म में U2 आता था और U2 हम लोगों के पास 0। आपकी बात, इसको हम फर्स्ट बॉल ले रहे हैं, इसको सेकेंड बॉल ले रहे हैं। अच्छा, यहां पे V2 में हम लोगों के पास आता था U1 और प्लस U2 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और यहां पे हम लोगों के पास आता था M1 प्लस M1। क्लियर? अब मैं यहां वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखो, मैं यहां लिख ले रहा हूं तो M1 इज इक्वल टू M है,
एम टू इज इक्वल्स टू 4m है, यू वन इज इक्वल्स टू 3v/5 है और यू टू बराबर 0 है। क्या क्लियर है? बराबर। अब यहां ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, देखो पहला वाला मैंने बेसिक मेथड से लगाया था, सेकंड में मैंने फॉर्मूला लिख दिया अब आपके लिए। एम वन बोले तो m माइनस 4m अपॉन 5m इंटू 3v/5, 3v/5, क्लियर है? तो ये ऊपर में हमको दिख रहा है क्या मिलेगा, माइनस 3m अपॉन 5m, क्लियर, इंटू 3v/5, क्लियर है? तो इससे तो ये कैंसल हो गया, तो ये जो वैल्यू हम लोगों के पास मिले इट इज माइनस ऑफ 9v/25। निगेटिव मिलने का मतलब वापस इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अच्छा v2 में लिखेंगे हम लोग m प्लस m, तो ये हो गया 2m अपॉन में 5m इंटू 3v/5, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ रहा है 6v/25, क्लियर? ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये इसी डायरेक्शन में चलना चालू कर देगा। तो अच्छा अगर मैं सेकंड कोलिजन के बाद डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर सेकंड कोलिजन, तो कहानी कुछ ऐसी दिख रही है। ये जो c वाली बॉल थी ये तो इधर जा रही थी कितने से, 2v/5 से ये जाती रहेगी। अच्छा ये जो b वाली बॉल है इसका डायरेक्शन फिर रिवर्स हो गया और इसने इधर जाना चालू कर दिया, कितने से जाना चालू कर दिया इसने, 9v/25, दिख रहा है ना बताइए, 9v/25। और ये जो ए वाला बॉल था ये इधर जाने लग गया कितने से, 6v/25। अब अच्छा चेक करो क्या यहां कोलिजन फिर से होगा क्या, तो ये वैल्यू है 0.4 देखिए, और इसको निकालोगे तो आएगा नियरली 0.35, यानी अब जो B की वेलोसिटी है वो C से कम हो चुकी, मतलब फर्दर कोई कोलिजन नहीं होगा। तो कितने कोलिजन हुए, कितने कोलिजन हुए देखिए, तो पहला कोलिजन यहां पे हुआ आपका और दूसरा वाला जो कोलिजन हुआ वो इस जगह पे हुआ, मीन्स टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आपसे पूछे गए थे, तो यहां पे इसका आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा कि ओनली 2 कोलिजन आर पॉसिबल। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।